उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। इसके बावजूद बुलंदशहर में कुछ दुकानदार खुलेआम पटाखे बेच रहे थे, जिन पर खुर्जा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दुकानदारों को हिरासत में लिया और पटाखे जब्त कर लिए। इस दौरान एक बच्ची पुलिस से अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाती रही। बच्ची ने रोते हुए कई बार पुलिस की गाड़ी पर सिर मारा और पिता को छोड़ने की जिद की। लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह बच्ची को हटा दिया और दुकानदार को लेकर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके बाद SDM खुर्जा और CO खुर्जा ने पीड़ित बच्ची के घर जाकर उनके साथ दिवाली मनाई और उपहार देकर उसके मन से पुलिस के प्रति नकारात्मकता के भाव को दूर किया। क्षेत्राधिकारी खुर्जा ने कहा कि बच्ची की हालत देखकर हमें बहुत दुख हुआ और गलती का एहसास हुआ। डिम्पी अग्रवाल। डिम्पी जी, खुश हो आप? हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? SDM मैडम आई है। हाँ? और CO पुलिस वाले अंकल आए हैं। अच्छा? और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। तो पापा आ गए घर पे? हाँ। आपने बेटा, आपने पुलिस ने कुछ कहा था? नहीं। अच्छा, वैसे ही रो रही थी आप? क्यों रो रही थी? पापा को पुलिस ले जा रहे इसलिए। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।